अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे पैटर्न क्वेश्चन टू। कल एक हम किए थे, दूसरा करने चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स पे। कोड ब्लॉक्स ओपन हो रहा है। कोड ब्लॉक्स जैसे ही ओपन होता है, हम लोग पैटर्न क्वेश्चन अपना टू करेंगे। आज कल एक किए थे, हो गया ऑन। तो हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल सेफ एन, न्यू फाइल क्रिएट कर दिया। अब कंट्रोल एस सेव करने के लिए नाम देते हैं इसको पैटर्न 9, पैटर्न 8 दे देते हैं। ऑलरेडी फाइल है डॉट सी सेव हो गई हैज इंक्लूड stdio डॉट h। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं इंट मेन, हो गया। अब यहाँ पे फ्लावर ब्रैकेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर लेते हैं इंट i j कॉमा रोज सेमी कॉलन। अब यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवाना है हमको, नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्कैनफ का। स्कैनफ का यूज़ क्यों करते हैं, इंटीजर से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे यूज़ करेंगे परसेंटेज जी की यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू लेने के लिए। हम यहाँ पे करेंगे एम परसेंट रोज। ठीक है, अब हम फोर लूप का यूज करेंगे। हम लोग फोर आई इक्वल टू रोज सेमी कॉलन आई ग्रेटर देन वन सेमी कॉलन आई माइनस माइनस। एक बार और हम फ्लावर ब्रैकेट लेंगे जे के लिए। फोर जे इक्वल टू वन सेमी कॉलन जे लेस देन इक्वल टू आई सेमी कॉलम जे प्लस प्लस। ठीक है, एक बार और हम लोग फ्लावर ब्रैकेट लेंगे। उनको क्या प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट स्टार ले लिए सेमी कॉलम। अब हम यहाँ पे लेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन, ताकि हम जो भी प्रिंट करा रहे हैं वो न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको बिल्ड एंड रन करते हैं प्रोग्राम को। ये हो गया रन प्रोग्राम, सब कुछ सही है। अब अपना नंबर डाल के चेक कर लेते हैं 5। ये देखिए अपना प्रिंट हो के आ गया जैसा हम लोग प्रिंट करना चाहते थे। एक बार और अदर नंबर ट्राई कर लेते हैं हम। चलते अपने बिल्ड एंड रन पे। अब इसको बीच में ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। अब इसको हम लोग जूम करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज 8। 8 होके प्रिंट आ गया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।